बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजहर रब्बानी फूड व्लॉग्स एंड कुकिंग विद रब्बानी में एक दफा फिर आपके साथ हाजिर है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं अभी घर से निकला हूँ और आज मैं अपने कजन्स के साथ लाहौर जा रहा हूँ पाकिस्तान और इंग्लैंड का T20 मैच देखने के लिए। PCB की तरफ से हमें इन्विटेशन आई हुई है और उनकी इन्विटेशन पे हम लोग जा रहे हैं मैच देखने के लिए। तो वकार पहुंच चुका है, सती भाई हमें अड्डे पे ड्रॉप करेंगे, आसिम को हम रास्ते से पिक करेंगे और हमारे एक दोस्त हैं राणा साहब, तो राणा साहब खुद से फैजाबाद स्टॉप पे आएंगे। उस्मान हमारे साथ जाना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी डोमेस्टिक कमिटमेंट की वजह से उस्मान हमारे साथ नहीं जा रहा आज, हम उसे मिस ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं लाहौर चलते हैं। सबसे पहले तो मैं अभी रोड मास्टर पर ट्रैवल करूँगा तो उसका एक रिव्यू लेंगे कि रोड मास्टर बस कैसी है। उसके बाद फिर जैसे जैसे हालात और वाकयात आते जाएंगे आपके साथ ये ट्रिप पूरा मैं शेयर करने लगा हूँ और डेफिनेटली उसमें मज़े के लाहौर के खापे तो लाजमी होंगे, खाने शाने भी देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। ओके जी फ्रेंड्स, हम लोग फैजाबाद स्टॉप पर पहुँच चुके हैं और आसिम और वकार आगे हैं, बिलाल का हम इंतज़ार कर रहे हैं और अब जाके टिकट्स लेते हैं। टिकट्स हमने ऑनलाइन बुक करवाए हुए थे, बस स्लिप्स लेनी है। टिकट्स लेते हैं और फिर अगला आपके साथ शेयर करते हैं। ले जी आसिम टिकट लेने लगे, ऑनलाइन हम पे कर चुके थे, बस अब हमें स्लिप्स मिलती हैं और फिर बस में जाके बैठते हैं। अभी वैसे बहुत टाइम है, 9 बजे बस ने चलना है और हम 8:30 बजे के करीब ही स्टॉप पे पहुंच चुके हैं। ओके जी फ्रेंड्स, टिकट्स भी हमें मिल गए हैं, ये देखें 5 टिकट्स हमने ले ली हैं और अब हम बस का इंतज़ार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रोड मास्टर है जिस पे हमने ट्रैवल करना है। सीट ओपन, गेट ओपन हो चुका है तो अभी जाके हम सीट संभालते हैं अपनी और फिर मैं अंदर से भी आपको दिखाता हूँ। तो इस रोड मास्टर में हम इंशाल्लाह अभी लाहौर के लिए 9 बजे रवाना होंगे। वकार इंटर हो चुका है, आसिम इसके पीछे है और उसके साथ फिर मैं अंदर जाऊंगा। बस का कुछ अंदर से इंटीरियर इस तरह का है और ये वकार बैठा हुआ है, इधर मैं बैठ गया हूँ। LED वगैरह लगी हुई है, चार्जिंग पॉइंट डेफिनेटली होंगे। ये कुछ अंदरून का माहौल है बस का, तो सफ़र स्टार्ट होता है फिर चलते हैं आगे। 26 नंबर पे जो रोड मास्टर का मेन टर्मिनल है हम उस पर पहुँच चुके हैं फैजाबाद से निकल के, और अभी हम इसके टर्मिनल की जो टक शॉप है उसमें हमने पानी लिए, वैसे तो वो लोग भी देंगे लेकिन एहतियातन हमने ले लिए और साथ लेज ले लिए और अब जाके हम बस पे बैठते हैं और अगला सफ़र 26 नंबर से हम लाहौर का स्टार्ट करते हैं। ओके जी फ्रेंड्स, अनाउंसमेंट हो चुकी है, हम मोटरवे पे सफ़र स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह अगले 4 घंटे में हम लोग लाहौर पहुंचेंगे और अब अगली मुलाकात आपके साथ भेरा इंटरचेंज पे होगी रिफ्रेशमेंट करते हुए। तब तक के लिए वेट करें। अच्छा फ्रेंड्स, रोड मास्टर पे जैसे ही आपकी बस मोटरवे पे सफ़र का स्टार्ट करती है तो आपको एक अच्छा सा हेडफोन मिल भी देते हैं और आपकी सीट के पीछे LED लगी हुई है और LED पे आप एंटरटेनमेंट भी है, कम्युनिकेशन भी है और अबाउट भी है। इंटरनेट एंटरटेनमेंट में आपको मूवीज़, TV शोज, सॉन्ग्स और गेम्स मिलती हैं। फिर मूवीज़ में आपको 3-4 किस्म की प्रीमियर, कॉमेडी, एक्शन और बच्चों की मूवीज़ मिल जाएंगी। TV शो भी है, सॉन्ग्स भी हैं। सॉन्ग्स में आपको कवालियाँ, पाकिस्तानी सॉन्ग्स, इंडियन सॉन्ग्स और इंग्लिश सॉन्ग्स सब आपको मिलेंगे। तो और साथ USB पोर्ट भी है, आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। अगर तो डाटा केबल आपके पास है तो वेरी गुड, अदरवाइज ऑन डिमांड आपको ये डाटा केबल भी प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने कहा हम रोड मास्टर पे सफ़र कर रहे हैं तो एक छोटा सा इनका भी आपको रिव्यू दें और इनकी थोड़ी सी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं वो बताया जाए। अच्छा फ्रेंड्स, पानी तो पहले इन्होंने दे दिया था हमें और अभी हमें ये बॉक्स भी मिल गए रोड मास्टर वालों की तरफ से,
जिसके अंदर छोटे 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 गोगो ने, ये जो गोगो पान मसाला है ये मैं बचपन में खाया करता था, बचपन की याद ताज़ा करवा दी गोगो ने, और साथ बिस्किट्स एंड लेमन सैंडविच बिस्किट्स, और एक छोटा सा कपकेक भी है। हमारी पार्टी हो गई है, तो अब हम पार्टी करने लगे हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जी भेरा इंटरचेंज पे पहुंच चुके हैं, बस से उतर चुके हैं और 15 मिनट का स्टॉप ओवर है यहाँ पे, और अब जाके देखते हैं कि हमें कुछ खाने पीने के लिए अच्छा मिलता है तो खाने पीने के लिए लेते हैं और फिर आगे सफ़र का स्टार्ट करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ब्रांड तो इधर खाने पीने की सब है, राहत चिकन ब्रोस्ट है, ये हार्डी का ड्राइव थ्रू है, और सामने ही मैकडोनल्ड है, लेकिन हम कुछ इतना ज़्यादा खाने पीने के मूड में नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमने अभी जाके वहाँ पे भी लंच करना है पहुँच के भी, तो अभी फिर या तो चिकन ब्रोस से कोई एक ब्रोस ले लेते हैं, या फिर आओ चिकन ब्रोस से ब्रोस लेते हैं, वो भी अगर 4-5 मिनट में बन जाता है तो बस ठीक है। हम चिकन ब्रोस पे जा रहे हैं और इनसे कोई ब्रोस वगैरह एक बनवा लेते हैं जो हम सारे रास्ते पर थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेंगे, और बाकी मेन खापा जो है हम लाहौर पहुंच कर ही करेंगे। चले जी, चिकन ब्रोस तो अभी क्लोज़ हुआ हुआ है, या फिर अब फिर राहत पे चलते हैं, अगर उधर कोई चीज़ अच्छी नज़र आ गई तो राहत से लेते हैं, नहीं तो फिर फाइनली हम हार्डीज जा रहे हैं। अच्छा फ्रेंड्स, राहत पे हम पहुंच चुके हैं, तो अभी हम या तो ये मिनी पिज़्ज़ा लेने लगे हैं या फिर चिकन रोल लेने लगे हैं, फिर जो चीज़ भी लेते हैं आपको बताते हैं। बाकी छोटी सी टक शॉप है राहत की, कोई इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लेते हैं फिर आपको बताते हैं। फाइनली जी, हमने राहत से 4 स्मॉल चिकन पिज़्ज़ा लिए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले, क्योंकि हम 4 बंदे हैं, और बस फिर अब जाते हैं, बस में बैठते हैं और फिर बस में जाके इनको खाएंगे। तो ये एक छोटा सा स्टॉप ओवर है भेरा इंटरचेंज पे, एक बार तो दिल किया हार्डी से कुछ खाएँ, लेकिन फिर इरादा चेंज कर दिया कि वहाँ लाहौर जाके कुछ अच्छा खाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भाई इस वक्त लाहौर पहुंच चुका है और रोड मास्टर के टर्मिनल पे उतर चुका है, और इस्लामाबाद से लाहौर की ट्रिप का जो पहला व्लॉग है उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, आखिर में इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।